काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जहां पर वह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरे भाड़िजायक खाणं पतये नमो नमो चरघोकाय क्रंदय ते पतेना नमः तथाय दया धावते शपनं पतये नमो नमः सामानाय निचारिनां पतये नमो नमो निखंडे नमो नमो निचेरवे यारण्यानां पतये नमो नमो भञ्जते परिभञ्जते सायूनां पतये नमो नमो निखंडे कुतुभायते नानं ओम नैवेद्यमि नैवेद्यम ध्यानम ध्यानम दे हाथ मनीय जलम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है और किस प्रकार से आज पूजा अर्चना कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में? जी बिल्कुल त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय काशी दौरा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए, जहां पर पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उन्होंने खुद शुभारंभ किया। उसके बाद पीएम मोदी ने जेट्टी का उद्घाटन किया, उसमें 7 लोकार्पण किया, उसके बाद 8 जेट्टी का जो है शिलान्यास किया। उसके बाद सीएम योगी, जैसा कि हर दौरे में सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, उसको लेकर के आज सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए गए हुए हैं। दर्शन पूजन करने के बाद सीधे सीएम योगी सतुआ व आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद सीएम योगी वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में जाएंगे, वहाँ पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सीएम योगी सीधे वहाँ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद निरीक्षण करने के बाद जो है वहाँ का जायजा लेंगे, जो सहनसापुर गांव है वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहा है उस पर निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद समीक्षा करेंगे, उसके बाद सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, आज जो रुद्रांश कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, वो किस प्रकार की प्रदर्शनी है विनीत? जी बिल्कुल त्रिशा, मैं आपको बताऊं कि पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका जिसको जो है दुबई के रहने वाले एक कलाकार अकबर खान ने बनाया है, जिसको आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगाया गया है। यह प्रदर्शनी आज से इसकी शुरुआत की गई है और 17 नवंबर तक यह प्रदर्शनी रहेगी, जिसमें तमाम जो छात्र हैं वो आकर इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी से छात्रों को एक प्रेरणा मिल रही है। उसको लेकर के लगातार जो पीएम मोदी के जीवन पर आधारित जो 55 पेंटिंग है वो उसमें लगाई गई है, और काशी में लगातार लोग उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंच रहे हैं और उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विनीत, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, उनका
लोग उनसे मिल रहे हैं, क्या कुछ और अपडेट है? इसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत कहां के लिए रवाना होंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? जी बिल्कुल त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जो है सतवा बाबा आश्रम जाएंगे, वहां पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद वो टीएफसी सेंटर के लिए रवाना होंगे, वहाँ पर पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद सीधे सहनसापुर गांव के लिए रवाना हो जाएंगे, वहां पर जो विकास कार्य चल रहा है उसको जो है देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब काशी विश्वनाथ धाम से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना भी की, साथ ही साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहां पर प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को पेंटिंग के माध्यम से, पिक्चर की प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, जिसको देखने भारी संख्या में छात्र वहां पर पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री के जीवन यात्रा से जो छात्र हैं वो सीख ले रहे हैं।